पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ हुई दुष्कर्म घटना के विरोध में आज गरियाबंद जिला के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एक दिवसीय चिकित्सकीय कार्यों का बहिष्कार करते हुए रैली निकालकर नारेबाजी की। एक ओर जहां जिला अस्पताल के साथ साथ सीएचसी 28 सब सेंटर बंद रहे, सिर्फ इमरजेंसी कार्यों के लिए ही डॉक्टर नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर इस बंद के चलते जिला के विभिन्न मरीजों को काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीणों को इस हड़ताल की जानकारी नहीं थी और वो बीमार बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, किंतु उन्हें निराशा के साथ वापस जाना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि नए कानून के तहत संस्था प्रमुख पर भी कार्यवाही शामिल हो और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। ज्यादती नहीं, उसकी तो जिंदगी चली गई बेचारी की। उसके साथ जो गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उसके विरोध में सभी चिकित्सक हम लोग और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरे सहयोग, मतलब उसके न्याय की मांग करने के लिए हम लोग आज सांकेतिक हड़ताल किए हैं। मतलब अस्पताल तो पूरी तरीके से बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही है। उसके साथ साथ जो सीएससी है, 5 सीएससी है और 28 सब सेंटर्स हैं, वो सभी बंद हैं। मरीजों को इससे क्या है बोलो? मरीजों को असुविधा तो होगी ही, जब पूरी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी तो असुविधा होनी है। फिर भी हमने उनके बच्चों, मतलब मरीजों की सुविधा को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं शुरू रखा हुआ है। सामूहिक रूप से उन लोग भीड़ लगा लेते हैं, करना काम हमको है, अगर उनके साथ एक दो सहयोगी आए तो चल जाता है। और पूरा का पूरा गांव 20-25 या 50 लोगों की मात्रा में आ जाने से हमारे काम भी में बाधा होती है और काम भी में देरी होता है, उससे मरीज को भी असुविधा होती है। लोग वायलेंट हो जाते हैं और एक तो नशा करके भी आते हैं कई लोग उनके साथ, और कोई भी मैं स्टाफ के साथ उन लोग ज्यादती करना शुरू कर देते हैं। आज जो कोलकाता में हो वो हमारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए, पुलिस चौकी दिया जाए यहाँ, क्योंकि जो घटना कोलकाता में हुई उसी प्रकार हमारे साथ भी ये घटना कई बार होते रहती है, जहाँ मरीज की अटेंडर पूरा झूठ बना के आते हैं और जो कि स्थिति रहती है उसको उन लोग ना देख के हमारे ऊपर हमला करने लग जाते हैं और हमको धमकी देने लग जाते हैं कि हम आपको देख लेंगे या फिर हमारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे या फिर हमारे खिलाफ आपको बाहर तरफ देख लेंगे, ऐसे हमको धमकी दिया जाता है।